बेटा गलती से एक जीरो और लग गया, 1500 हो गया और 150 अपना काट के बाकी मेरा रिटर्न कर। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। और मैं हूँ अभी नोएडा के 71 के साइड में, और ये मेरा स्कूटी खड़ी है। तो भाई अभी हमारे साथ एक भाई थे जिनके साथ फ्रॉड होते होते बचा है रैपिडो में, तो क्या कुछ फ्रॉड था, चलो भाई बैठे हैं उनके संग बात कर लेते हैं क्या कुछ है कि 75 रुपए की बुकिंग है और 75 जो है मैं पे कर रहा हूँ दोनों तरफ को मिला के 150 में दे रहा हूँ, जो 10-20 ज्यादा होगा ले लियो, और 1 रुपए मैं पहले पे करके देख रहा हूँ, नंबर बोला और नंबर बोलते ही उसने 1 रुपए का ये मैसेज डाला, पहले 1 रुपए आ गया फिर 15 बोला 1 रुपए देखो आ गया, मैं गूगल पे पे चेक कर रहा हूँ, अकाउंट चेक कर रहा हूँ, उसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, आपने ये गौर नहीं किया मोबाइल नंबर से आ रहा है। बोल रहे भाई उस पे टेक्स्ट मैसेज पे जाओ, टेक्स्ट मैसेज पे, तो टेक्स्ट मैसेज पर गया तो ये वहाँ पे 1 रुपए दिखा, मैंने कहा हाँ भाई 1 रुपए दिखाया, कह रहा मैं डाल रहा हूँ 150 डाल रहा हूँ और तुम जाओ छोड़ कर आ जाओ मैडम को। तो छोड़ डालते ही बोल रहा है कि बेटा गलती से 10 और लग गया, 1500 हो गया और 150 अपना काट के बाकी मेरा रिटर्न कर दो। तो मैं जो है मैंने कहा भाई सर्वर प्रॉब्लम है, थोड़ा कट कर मोबाइल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि इसमें शो नहीं कर रहा है, कट कर सर्वर प्रॉब्लम है, देख कर फिर बता रहा हूँ। तो मैंने वहाँ पर जो है कट किया इसका मोबाइल, तुरंत कट करने के बाद जब देखा ना अकाउंट, तो देखते उसमें ना तो 1 रुपए बैलेंस जो भेजा तो वही आया ना 1500, मेरा जितना सेम अकाउंट में पैसा था एकदम सेम उतना ही है। तो फिर उसने फोन लगाया, मैंने कहा कि नहीं यार ये तो इसमें तो पैसे नहीं कहे, तुम्हें विश्वास नहीं है। मैंने कहा तू है कौन जो तुझ पर मैं विश्वास करूं, मैं अपने आप पे नहीं करता, तेरे पे कैसे कर लूं, तू बाहर तो आ भाई, अंदर घुसा क्यों बात कर रहा, मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ, आ यहाँ पर बात करते हैं कितना तूने पैसा डाला, तुरंत कट कर दिया। और इसमें व्हाट्सएप पर देखो ये मैंने चैटिंग भी की है। अच्छा, आपने स्क्रीन देख ही लिया, नंबर आया 95 वाला, उससे मैसेज आया था, ये देखो हटा दिया, नहीं तो यहाँ पर पुलिस की वर्दी वाला जो है वो लगा दिया था, नंबर वही नंबर है, हाँ ये नंबर है लिखा है ना, हाँ भाई कितना लगाया था, ये व्हाट्सएप पे इनका मैसेज आया है। क्या बोला फिर इस पे, क्या क्या भेजा था व्हाट्सएप पे, आगे वॉइस कॉल किया था, हाय दो बार भेजा, मैंने बोला हाँ भाई कितना कर दिया था, चुतिया बना रहा है कट कर दिया, फिर बात ही नहीं की। और इस पर जो है ये लगा रखा था वर्दी, वर्दी बढ़िया पहने साहब, डीपी फोटो, अच्छा हाँ डीपी लगा रखा पुलिस के वर्दी की, पुलिस वाली, अच्छा। तो ऐसे फ्रॉड हो रहा था भाई, बच गया मैं तो भाई साहब, ये हाल होता है रैपिडो में। रैपिडो क्या वैसे सभी ऐप में होता है, बट रैपिडो में ज्यादा है, ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि रैपिडो का जो कस्टमर, हम क्योंकि राइडर भी बहुत जल्दी आईडी बना लेता है, वैसे कस्टमर भी और आसानी से बना लेता होगा, कोई वेरिफिकेशन होता नहीं है, इसलिए ये फ्रॉड जो है ना रैपिडो में ज्यादा होता है, इसलिए भाई ज्यादातर रैपिडो फ्रॉड के नाम से। फ्रॉड में एक भाई और बता रहा था उसका 3000 का हो गया था, ऐसे वो बोल रहा था मैडम को मैं पा जाऊं तो काट के फेंक दूं, इतना मेरा नुकसान हुआ है। भाई जितना मेहनत करके हम लोग कमा रहे हैं, अगर 1000, 2000, 3000 चला जा रहा है तो खलेगा तो है ही ना यार, इतना 24 चारों तरफ घुमाते हैं भाई, कितना मेहनत। भाई देखो 3000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर हम पूरे 3 दिन लगातार पिछवाड़ा घिसते हैं ना, है ना, तब जाके काम 3000 का होता है, जिसमें से भी दुनिया भर की टेंशन है, और अगर कुछ हो जाए, गाड़ी में पंचर हो जाए, दिक्कत आ जाए, इंजन सीज हो जाए, 24-24 की ट्रिपे आ रही है ऊबर में, तो फिर वो 3000 भी ना 3 लाख रुपए का लगता है। तो भाई आप सभी से बोलूंगा दोस्तों, जहां भी एडवांस पेमेंट की बात आती है ना, तो भाई ध्यान रखो एक चीज का, अकाउंट चेक करो या फिर एडवांस पेमेंट के लिए सीधा बोलो कि सर आप आके वेरीफाई करो, मुझे एडवांस नहीं चाहिए, अपना जो है उतना ही, हाँ उतना ही दो जो दिख रहा है, आप एडवांस के पीछे मत पड़ो, 1 रुपए एक्स्ट्रा के चक्कर में भाई साहब लेने का देना पड़ सकता है, ठीक है, होता तो 100% कर देता जैसे वो बात कर रहा है, और मुझे अकाउंट नहीं चेक करने दे रहा था वो। अरे वो बहुत सातिर होते हैं वो बंदे, वो सोच रहा तो भाई विश्वास नहीं, ये है वो है, पता है हो, हाँ हो क्या गया है ना, हम डिलीवरी, हम जो काम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार इसमें ना कम पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन आजकल जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उससे अवेयर हो गया, मेरा ये वाला वीडियो देख रखी थी जो आज मैं मेरे, हाँ ये वीडियो मैंने डाली थी गाँव में, याद होगा हॉस्पिटल के पास है ना, वही
भाई वो उसकी वीडियो देख रखी थी मैंने, वो जो आज काम आ गई कल नहीं तो फंस जाता मैं। तो इस चीज का भाई ध्यान रखो, ठीक है, मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच भाई, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी भाई हैं ये, थैंक यू भाई, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं दोस्तों 30 days 30,000 अर्निंग एंड 30,000 सेविंग का चैलेंज का वीडियो कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता है कि ऐसे कभी कभी वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, तो मेरा जो चैलेंज वाला वीडियो ये कंटिन्यू रहेगा और एक दो दिन गैप के बाद आएगा वीडियोस जो हैं, बट वीडियोस डेली बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरा VSK राइडर जो न्यू चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाके चेक करें। एक पार्ट इसमें और एक दिन उसमें ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उस चैनल को जरूर चेकआउट कर लें दोस्तों।